बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जो सफल क्रिकेटर रहे, शेरो शायरी भी बहुत बेहतर करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री के लिए कई लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन क्या वो एक बेहतर राजनेता और निष्ठावान कार्यकर्ता भी है? ये सवाल जरूर उठ रहा है। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की पंजाब इकाई के भीतर ही सिद्धू के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और ये आवाज किसी विधानसभा सीट या जिले के नेता ने नहीं उठाई, बल्कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता इन दिनों सिद्धू से नाराज हैं। सबसे पहले पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा का बयान सुनिए, जिसमें सिद्धू को लेकर नाराजगी भी है और गुस्सा भी है। यही बेनती करूंगा सिद्धू साहब नु कि थोड़ा जहा मैच्योरिटी तो है, ये तानू इस जमात ने इज्जत मान दे ही दिता है, तो उन्हें डायजेस्ट भी करो, एहो जहा काम ना करो। तुसी अगे ही प्रधान सी ते तुसी वेख ही लिया 78 तो 18 ते ले आंदा, तुसी हुण की होर चाहते ने इन्हां नूं पुछ लो जी। मैं तो इन्हों बेनती करांगा कि चुप होके पार्टी के काडर नाल चलो, पार्टी दियां जिहड़ियां स्टेजां ने उहदे ते आओ। देखिए, इस बयान से दो बातें साफ होती हैं। पहली बात, जो कांग्रेस राष्ट्रीय मंच पर दो दर्जन से ज्यादा दलों को जोड़कर गठबंधन बना रही है, उससे अपना ही घर नहीं संभल रहा। और दूसरी अहम बात, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए ही सरदर्द बन गए हैं। प्रताप बाजवा ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा न सिर्फ सिद्धू के सिर पर फोड़ा, बल्कि यह भी नसीहत दे डाली कि वो खुद का अखाड़ा न सजाए। प्रताप बाजवा ने सिद्धू को अखाड़ा न लगाने की नसीहत क्यों दी, इसे मैं आगे बताऊंगा। पहले समझिए पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को लेकर कितना आक्रोश है। कांग्रेस के कई नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि सिद्धू अक्सर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सिद्धू जिस टीम में होते हैं उसी के खिलाफ खेलते हैं। आरोप लगाया गया कि सिद्धू की वजह से ही कांग्रेस पंजाब में कमजोर हो रही है, ऐसे में सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना ही बेहतर होगा। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह का लंबा इतिहास है, और इस बार भी जब दो धड़ों के बीच तलवारें खिंची तो यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पंजाब कांग्रेस में झगड़ा पिछले काफी दिनों से सर उठा रहा था। आज मैं सिद्धू से पंजाब कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की तीन बड़ी वजह आपको बताऊंगा। पहली वजह, आपको कुछ देर पहले मैंने प्रताप बाजवा का एक बयान सुनाया जिसमें बाजवा किसी अखाड़े की बात कर रहे थे, उस अखाड़े को समझिए, यह पहली वजह है। दरअसल बठिंडा के महराज में सिद्धू ने रविवार को एक रैली की थी। इस रैली में पंजाब कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, या यह कहिए कि उसे बुलाया ही नहीं गया। इसी रैली में सिद्धू ने पंजाब के लगभग सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया। सिद्धू ने कहा, पिछले 30 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी सीट पर तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन पंजाब हारता रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सीएम बनने आए और अपना बिजनेस करने लगे, और यही सब करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बारी बारी से पंजाब को बेच दिया। यह बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। सिद्धू जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे थे उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं, और यही बात पंजाब कांग्रेस के बड़े धड़े को चुभ रही है। अगर कुछ नेता सिद्धू के खिलाफ हैं तो कुछ नेता सिद्धू के साथ भी खड़े हैं। जब कोई पार्टी जीतती है या हारती है, ये एक किसी आदमी का नाम पे नहीं जीत हार होती, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की जिम्मेवारी होती है, और सभी की जिम्मेवारी में बाजवा साहब भी आते हैं, नो डाउट सिद्धू साहब भी आते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि सिद्धू साहब की वजह से 78 से 18 सीटें आ गई। जो 2017 की इलेक्शन हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की ओर थी, लेकिन जब सिद्धू ज्वाइन कर गया कांग्रेस को तो मैं कह सकता हूं 18 से 78 पे चली गई सिद्धू के कारण। देखिए, इतना तो साफ है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सिद्धू वर्सेस ऑल वाली लड़ाई है, क्योंकि ना तो पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सिद्धू के साथ है और ना ही बड़े नेताओं की मंडली, और बार बार सिद्धू को यह कहकर घेरने की कोशिश हो रही है कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस की हालत पंजाब में खराब हुई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। सिद्धू जब 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए तब पंजाब में पार्टी के पास विधानसभा की 77 सीटें थी, लेकिन जब 2022 में सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे तब के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 18 सीट ही जीत पाई।
इसी तरह 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 38.5% वोट मिले थे, लेकिन 2022 में ये वोट प्रतिशत 23 पर आ गया। पंजाब में कांग्रेस ने पिछले 25 सालों में इतना खराब प्रदर्शन कभी नहीं किया था, यह बात गौर करने वाली है। यही वो आंकड़ा है जिसे सिद्धू के विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेता दबी जुबान में सिद्धू को हार की वजह बताते हैं, तो कुछ खुलकर ऐसी बात मीडिया के सामने बोलते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह बताने जा रहा हूं। पंजाब की राजनीति में सिद्धू का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। वो दिल्ली आलाकमान की भी पसंद बताए जाते हैं। राहुल और प्रियंका से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। पिछले दिनों जब सिद्धू जेल से बाहर आए तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने भी गई थी। हाँ, ये बात जरूर है कि अमरिंदर सिंह से जब सिद्धू का झगड़ा हुआ था तब प्रियंका नाराज हुई थी। हालांकि बाद में प्रियंका की नाराजगी दूर हो गई और सिद्धू की दिल्ली वाली दोस्ती ही पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं को अखरती रहती है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे होता रहता है। यानी साफ है, पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा भले ही सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग करे, लेकिन दिल्ली में बैठा हाईकमान इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेगा ऐसा नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि हाई कमांड जो है अभी सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि हाई कमांड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है कई इश्यूज में कांग्रेस की। सिद्धू स्टार कैंपेनर थे, सरकारें भी बनी थी वहां पर। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को वहां नहीं लेके जाया गया, कहीं इनवाइट नहीं किया गया, स्टार कैंपेन के लिए नहीं बुलाया गया। नवजोत सिद्धू का एक पर्सोना है, एक स्टार वैल्यू है जो डेफिनेटली अट्रैक्ट करती है ऑडियंस को, जिस तरह वो कैंपेन करते हैं। कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये फायर फाइटिंग होगी और ये चीजें जो है वो बंद होगी पंजाब यूनिट में। देखिए, पंजाब कांग्रेस के नेताओं के दिल में भले ही सिद्धू के लिए बहुत ज्यादा जगह ना हो, लेकिन दिल्ली दरबार में सिद्धू की पैठ बरकरार है। इसकी कुछ वजह भी है। आलाकमान ने सिद्धू से जब भी कुछ कहा, सिद्धू ने बिना किसी सवाल के उसे सरमाथे पर रखा। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। हार के मंथन के लिए आलाकमान ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद एक्शन शुरू हुआ और उन सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया जहां कांग्रेस हारी थी। सिद्धू ने बिना किसी सवाल के आला कमान को इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने सिर्फ 17 शब्द लिखे थे। उन्होंने लिखा था, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं इस्तीफा देता हूं। तो यह बात साफ जाहिर होता है इस बात से कि सिद्धू आला कमान के कितने करीबी हैं। अब मैं आपको तीसरी और सबसे बड़ी वजह बताता हूं जिसके चलते पंजाब कांग्रेस के नेता सिद्धू को पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे सिद्धू की अपनी पॉलिटिक्स है। यह पॉलिटिक्स क्या है, जरा इसको समझिए। पंजाब में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की जाए या नहीं। मैंने कल ही आपको बताया था कि पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का अपना अलग स्टैंड है। वो चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की जाए। ये बात सिद्धू शुरुआत से ही कर रहे हैं। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को राष्ट्रहित में भी बताया। वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को निजी स्वार्थ से ऊपर उठने की नसीहत देते भी नजर आते हैं। ये तमाम बातें सिद्धू ने कही, यानी सिद्धू वही बात कर रहे हैं जो पार्टी हाई कमान कह रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, हर कोई पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। खड़गे ने तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को सुलझाने की बात भी कही थी। कहने का मतलब है कि सिद्धू अगर इस तरह की बात करके पंजाब कांग्रेस के नेताओं से दुश्मनी मोल रहे हैं तो भी उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली हाईकमान की नजरों में बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस के नेताओं के बीच ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है, आलाकमान इस पर वक्त रहते कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी खुद ही एक क्राइसिस में, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सेंटर लेवल पे, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज़्यादा आपस में बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस की कल्चर ही है, और पंजाब में नई बात नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से ही कला शुरू हुई है। तो आज की तरीक में कांग्रेस को देखा जाए या पंजाब को देखा जाए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को माइनस करके देखते हैं तो ये मुश्किल संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेके चलना पड़ेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू को भी कांग्रेस पार्टी को नाल ही लेके साथ चलना पड़ेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हश्र होना था वो हो चुका है। हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस अगर कहीं चुनाव हारती है तो गुटबाजी भी एक बड़ी वजह उभर कर सामने आती है। ऐसे में सामने 24 का चुनाव है और वक्त रहते इस बीमारी को दूर नहीं किया गया तो मुश्किल बड़ी होने वाली है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।